हमारा ब्रह्मांड अजीबोगरीब तथ्यों और रहस्यों से भरा पड़ा है, और जितना हम उसे और जानने की कोशिश करते हैं वो हमें उतना और ज्यादा चौंकाता है। ब्रह्मांड पूरा रहस्य और रोमांच से भरा है। हम अपने आने वाले हर वीडियोस में उसके रहस्यों को आपके सामने पेश करते रहेंगे और आपका स्पेस साइंस से रिलेटेड नॉलेज भी बढ़ाते रहेंगे। हमारे आने वाले हर वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं ब्रह्मांड के ऐसे 20 अजीबोगरीब तथ्यों और रहस्यों को जो आपको जरूर चौंकाएंगे। नंबर 1, ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी या स्थगित नहीं है। हर चीज अपनी जगह से गति कर रही है और हर चीज परिवर्तनशील है। हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, हमारा चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, और हमारा सूर्य संपूर्ण सूर्यमंडल को लेकर हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की परिक्रमा कर रहा है, और हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी भी अपनी जगह से ब्रह्मांड में गति कर रही है। मंदाकिनी की गति 552 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और इस गति से वह हमारी पड़ोसी आकाशगंगा देवयानी से अगले 5 अरब वर्ष पश्चात टकराएगी, लेकिन तब तक हम नहीं होंगे। नंबर 2, अंतरिक्ष पूर्णतः निशब्द है। ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम चाहिए होता है, और अंतरिक्ष में कोई वातावरण नहीं है। इस कारण अंतरिक्ष में हर समय सन्नाटा छाया रहता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से संवाद करने के लिए रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं। नंबर 3, वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में एक ग्रह ऐसा भी ढूंढ निकाला है जो पूरा हीरे का बना है। 55 कैसरी ई नाम का ये ग्रह पूरे का पूरा हीरे का बना है। ये ग्रह कर्क तारामंडल में स्थित है और पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है। नंबर 4, वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में तैरते हुए पानी के स्रोत को ढूंढ निकाला है। ये पानी यानी कि H2O भाप के रूप में ब्रह्मांड में बहुत बड़ी मात्रा में तैर रहा है। इस भंडार में हमारे सारे महासागरों के जल से 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा पानी है। नंबर 5, अगर आप ब्रह्मांड में भरे पड़े पानी के स्रोत से अचंभित हुए हैं, तो उससे भी बड़ा अजूबा ब्रह्मांड में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड में एक विशालकाय शराब का महासागर भी है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र से 390 प्रकाश वर्ष दूर सेजिटेरियस B2 नाम का यह विशालकाय बादल पूरा का पूरा एथाइल अल्कोहल का बना है, अर्थात उसमें अरबों लीटर शराब का भंडार मौजूद है, और ये शराब का महासागर ब्रह्मांड में तैर रहा है। नंबर 6, बृहस्पति ग्रह अपनी धरी पर 10 घंटे में एक चक्कर लगाता है, अर्थात बृहस्पति का एक दिन सिर्फ 10 घंटे का है, जो पृथ्वी के दिन से बहुत छोटा है, जबकि बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। उसका कारण ये है कि उसकी सतह 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। नंबर 7, अंतरिक्ष यात्रा करने के समय लगभग 2 इंच लंबे हो जाते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, और उसके कारण रीढ़ के हड्डी के जोड़ लगभग ढीले हो जाते हैं और वो ज्यादा सीधे हो जाते हैं। इसलिए सामान्य कद के इंसान की लंबाई लगभग 1.5 से 2 इंच बढ़ जाती है। नंबर 8, शुक्र ग्रह का एक दिन शुक्र के एक वर्ष से ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुक्र अपनी धरी पर बहुत ही धीमी गति से घूमता है। उसे अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी के 243 दिन लग जाते हैं, जबकि सूर्य की परिक्रमा वो महज 225 दिन में कर देता है, अर्थात शुक्र का एक दिन उसके एक वर्ष से ज्यादा होता है। नंबर 9, हमारा सूर्य अंतरिक्ष से सफेद दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी पर वातावरण है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वातावरण की परतों से गुजरता हुआ प्रकीर्णित के प्रभाव से लाल, केसरिया या पीला दिखता है, लेकिन अंतरिक्ष में वातावरण नहीं है, इसलिए सूर्य उसके मूल रूप में सफेद दिखाई देता है। नंबर 10, चंद्रमा पृथ्वी से हर वर्ष 1.5 इंच दूर होता जा रहा है।
ये गति अभी भले ही धीमी लगे, लेकिन अरबों साल बाद चंद्र पृथ्वी से बहुत दूर चला गया होगा। नंबर 11, ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या ज्ञात कर पाना असंभव है। हम ब्रह्मांड के तारों को कभी नहीं गिन सकते, क्योंकि इतने बड़े दृश्य ब्रह्मांड में कई सारे तारे जन्म लेते हैं और कई सारे तारों का अंत होता है। ब्रह्मांड के तारों का अनुमान भी लगा पाना हमारी कल्पना शक्ति से बाहर है, और ब्रह्मांड में कितने तारे थे, है या हुए हैं, इसके आंकड़े का पता हमें कभी नहीं चलने वाला। नंबर 12, चंद्रमा पर गए हमारे अंतरिक्ष यात्रियों के पगचिन्ह यानी कि कदम अगले 10 करोड़ साल तक रहेंगे। यूं तो चंद्रमा पर हवा, पानी, बारिश कुछ भी नहीं है, वहां पर वातावरण भी नहीं है, इसलिए चंद्र पे पड़ी धूल का एक भी रजकण यहां से वहां नहीं होता। लेकिन अंतरिक्ष में घूमने वाला सूक्ष्म रूप से मेटल और अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्काओं के कण हमेशा चंद्र पे गिरते रहते हैं, इसलिए लगभग 10 अरब वर्ष बाद वो सूक्ष्म कण अंतरिक्ष यात्रियों के पांव के निशानों को भर देंगे। नंबर 13, अंतरिक्ष की गंध किसी गर्म धातु या बुने हुए मांस की तरह है। बहुत सारे अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष की गंध को किसी गर्म धातु या बुने हुए मांस के जैसा बताया है। वैसे तो अंतरिक्ष में प्योर वैक्यूम है, मतलब के शून्य अवकाश है, लेकिन वास्तव में 100% वैक्यूम नहीं है। अंतरिक्ष के शून्य अवकाश में भी बहुत ही कम मात्रा में डार्क मेटल्स और कुछ तत्व मौजूद है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस स्टेशन के बाहर आने के बाद उनके कपड़ों में चिपक जाता है, और फिर बाद में जब अंतरिक्ष यात्री उसकी गंध को महसूस करते हैं तो किसी गर्म धातु या बुने हुए मांस के जैसी लगती है। नंबर 14, ब्रह्मांड में एक ऐसा भी तारा है जिसकी सतह का तापमान हमेशा 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। वैसे तो तारे की सतह हमेशा बहुत ही गर्म रहती है। हमारे सूरज की सतह का भी तापमान लगभग 5778 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन वाइस 8028 एक ऐसा तारा है जिसकी सतह का तापमान हमेशा 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये एक भूरा वामन तारा है। नंबर 15, दृश्य ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना 10 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ी है। जी हाँ दोस्तों, भौतिक विज्ञान की थियरी से ब्रह्मांड में इतनी बड़ी संरचना का हो पाना एक ताज्जुब के समान है। इसे आप ब्रह्मांड का एक रहस्य भी मान सकते हो। NQT, NQ4 और GRB की संरचना लगभग 10 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ी है। ये अब तक के हमारे ज्ञात ब्रह्मांड की सबसे चौड़ी संरचना है। वैज्ञानिक भी आश्चर्य में है कि ब्रह्मांड में आखिर इतनी बड़ी संरचना कैसे बनी होगी। नंबर 16, यदि हम सूर्य के आकार की कल्पना एक फुटबॉल के साथ करें तो पृथ्वी का आकार एक मटर के दाने से भी कम होगा। हमारे सूर्य के सामने पृथ्वी इतनी छोटी है कि एक सूर्य में लगभग 10 लाख से भी ज्यादा पृथ्वी समा जाए। नंबर 17, एक रूसी संशोधन के अनुसार अंतरिक्ष में पैदा हुए 33 कॉकरोच पृथ्वी पर पैदा हुए कॉकरोचों से बहुत ज्यादा मजबूत, ताकतवर और तेज है। ऐसा क्यों और किस लिए हुआ इसके अभी तक प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन रूस के वैज्ञानिकों ने किए एक संशोधन के अनुसार प्रयोग के रूप में जब कॉकरोच को अंतरिक्ष में ले जाया गया और जिन कॉकरोच का जन्म अंतरिक्ष में हुआ वो पृथ्वी पर जन्मे कॉकरोच की तुलना में बहुत ज्यादा तेज, ताकतवर और मजबूत थे। नंबर 18, हमारे दृश्य ब्रह्मांड में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर बहुत बड़ा खालीपन है। वैसे तो ब्रह्मांड में ज्यादातर जगह खाली होती है, लेकिन दृश्य ब्रह्मांड में अक्सर कुछ दूरी पर कोई ना कोई ग्रह, उपग्रह, तारा, निहारिका, अवकाशी पिंड या फिर प्रकाश मौजूद रहता है। लेकिन बॉटस वॉइड नाम की एक ऐसी जगह है जहां पर अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक खालीपन है, और दृश्य ब्रह्मांड में ऐसा खालीपन अचानक कैसे अस्तित्व में आया ये वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्य है। नंबर 19,
ब्लैक होल के बारे में तो हर कोई जानता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड का एक ऐसा दैत्य है जो अपने गुरुत्वीय घेरे में आने वाली किसी भी चीज को नेस्तनाबूद कर उसके अस्तित्व को मिटा देता है। ब्लैक होल का गुरुत्वीय प्रभाव इतना जबरदस्त होता है कि वो प्रकाश को भी अपने पार नहीं जाने देता और एक ब्लैक होल पूरी की पूरी गैलेक्सी को भी निगल लेता है। हमारी गैलेक्सी के भी बीचों बीच एक ब्लैक होल मौजूद है। दोस्तों, सिर्फ ब्लैक होल के बारे में हम एक सीरीज बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम उसके बारे में सारी जानकारी बहुत जल्द ही आपके सामने पेश करेंगे। नंबर 20। हर 15 वर्ष पश्चात शनि के वलय पृथ्वी से दिखाई नहीं देते हैं। वैसे तो शनि के वलय शक्तिशाली टेलीस्कोप से हमेशा पृथ्वी से दिखाई देते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब शनि के वलय पृथ्वी से नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा दुर्लभ समय तब आता है जब शनि, पृथ्वी और उसके वलय एक प्रतल में आ जाते हैं और हमें सिर्फ शनि ग्रह दिखाई देता है, उसके वलय दिखाई नहीं देते हैं। तो दोस्तों, ये थे ब्रह्मांड के 20 अजीबोगरीब तथ्य। हम आगे भी और ज्यादा जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। आप अगर चाहें तो अपने सुझाव भी हमें लिख सकते हैं और हमारे आने वाले हर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए। टेक केयर।